President Trump is wise like an ulu. I hope I said that right, but you guys are on the right track. कहते हैं जो काम आपको आता नहीं उसे करने से पहले उसे सोच समझ कर अच्छे से करना चाहिए। जिस काम को जानते नहीं उसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही उस काम को करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक समर्थक ने ऐसा नहीं किया और हो गई चोरस की शिकार। समर्थक का नाम है टोमी लाहरे जो कि है राजनीतिक विश्लेषक। हिंदी नहीं जानती लेकिन हिंदी वोटर्स को लुभाने के लिए उन्होंने हिंदी बोली और कर बैठी बड़ी गलती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया उल्लू, उल्लू जैसा बुद्धिमान। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए माहौल गरमाया हुआ है। हर कोई अपनी जीत के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के भी अनेक समर्थक हैं। ट्रंप और बाइडेन अपनी पार्टी प्रचार में भारतीय मूल के मतदाताओं पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। भारतीय मूल के मतदाताओं को ही लुभाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच भारतीय मतदाताओं को ट्रंप के पाले में लाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक टोमी लाहरेन का वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें वो ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें उल्लू की तरह बुद्धिमान बता रही हैं। उदारवादी राजनीति का विरोध करने वाली टोमी लाहरेन भारतीय समुदाय का शुक्रिया अदा करने के लिए एक वीडियो जारी करती हैं और अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए ट्रंप के अनेक प्रयासों का गुणगान करती हैं। तभी हिंदी में लाहरेन कहती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उल्लू की तरह से बुद्धिमान है। उनकी कोशिश थी कि हिंदी बोलकर वो भारतीय मूल के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगी, लेकिन हो गया उसका उल्टा। Or as you guys would say in Hindi, which I hope I'm pronouncing this right, President Trump is wise like an ulu. लाहरेन को पता नहीं था कि भारत में उल्लू शब्द को मूर्खों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब लाहरेन का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। इस वीडियो को शेयर करने वाले अली असगर ने लिखा, मेरे भारतीय मित्रों, टोमी लाहरेन ट्रंप को समर्थन देने के लिए आपको धन्यवाद कह रही हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग टोमी का मजाक बना रहे हैं तो कई लोग उनकी भावनाओं को समझकर शब्दों का मात्र अनुवाद करने वालों को उल्लू कह रहे हैं, यानी कि टोमी लाहरेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वो दोबारा चुनाव जीतते हैं तो आगे भी अमेरिका फर्स्ट की नीति को जारी रखेंगे। चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से होगा। जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। माना जा रहा है कि भारतीय वोटरों को अपने खेमे में लाने के लिए दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों की तरफ से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के बीच भारतीय समुदाय का खासा दखल रहा है। भारतीयों के प्रभाव की वजह से पिछले दो दशकों में अमेरिकी प्रशासन में भी इस समुदाय का दखल बढ़ा है। मौजूदा समय की बात करें तो करीब 40 लाख भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में हैं। करंट पॉपुलेशन सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रह रहे 15,58,594 भारतीय मूल के मतदाताओं में से करीब 20% गुजराती मूल के हैं। यानी कि अमेरिका में करीब 3.5 लाख गुजराती मतदाता हैं। गुजरात का सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से है और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी का महत्व बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। ये कई वजह है जो बताती है कि अमेरिका में नवम्बर महीने में होने वाले चुनावों में भारतीयों की भूमिका कितनी अहम है। और टोमी लाहरेन ने आखिर क्यों भारतीयों को लुभाने के लिए वो हिंदी बोली जिसका मतलब भारत में मूर्खों से भी जोड़कर निकाला जाता है। Well, hello to all of my amazing fans in India. It is Tommy Lahren, and I want to thank you guys for supporting the Make America Great Again agenda and the Keep America Great agenda. You know, Trump 2020 is all about keeping America great because President Trump is wise like an owl, or as you guys would say in Hindi, which I hope I'm pronouncing this right, President Trump is wise like an ulu. I hope I said that right. But you guys are on the right track. Let's keep it great. Thanks so much for all the support. Keep it up. God bless you all. Take care. Well, hello to all of my amazing fans in India. It is Tommy Lahren, and I want to thank you guys for supporting the Make America Great Again agenda and the Keep America Great agenda. You know, Trump 2020 is all about keeping America great because President Trump is wise like an owl, or as you guys would say in Hindi, which I hope I'm pronouncing this right, President Trump is wise like an ulu. I hope I said that right. But you guys are on the right track. Let's keep it great. Thanks so much for all the support. Keep it up. God bless you all. And take care.